मनीष शाही के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने मिलकर 15 वर्षों से ध्वस्त पुलिया का कराया निर्माण। लोगों ने किया आभार प्रकट। एकमा प्रखंड के देवपुरा पंचायत ने देवपुरा से खजुहार जाने वाली मुख्य मार्ग पर पिछले 15 सालों से पुलिया का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे वर्षा के दिनों में ग्रामीणों एवं ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस मुख्य मार्ग पर पुलिया के निर्माण के लिए ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया से लेकर विधायक एवं जिला अधिकारी तक अपनी गुहार लगाई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हर रोज दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वर्षा के दिनों में तो पूरी तरह आवागमन बंद हो जाता है, जिससे ग्रामवासियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे ऐसी दुर्घटनाएं न हो, परेशानियां न हो, इसके लिए स्थानीय निवासी मनीष शाही आगे आए और अपनी ट्रैक्टर से सड़कों पर जहां पुलिया टूटी है वहां ईंट के टुकड़े एवं राबिस की सहायता से सड़क बराबर किया जा रहा है, ताकि आगे से ऐसी कोई अनहोनी घटना न हो। वहीं शिक्षक संतोष सेनानी यादव का कहना है कि जिस कार्य को जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन को करना चाहिए वह कार्य अब आम जनता कर रही है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। वहीं मौके पर उपस्थित हरेंद्र प्रसाद ने कहा कि अब इसके बन जाने से हमें आने जाने में काफ़ी सहूलियत होगी। इस कार्य के लिए मनीष शाही बधाई के पात्र हैं। वहीं टीम खजुहान के रामदयाल साह, ओम प्रकाश प्रसाद, चंदन यादव, अमित प्रसाद, राजू यादव, जवाहर पंडित, अशोक यादव, संतोष प्रसाद, रुपेश कुमार, विशाल कुमार, सूर्यांश, गुलशन, आदित्य, दीपक आदि सदस्यों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कमला भाई वही वही के बराबर करो उतने दूर में। नमस्कार, मैं संतोष सेनानी यादव, ग्राम खजुहान, एकमा सारण से। अभी हम लोग बहुत पहले यह सड़क देख रहे थे कि जो जौनपुरा से देवपुरा होते हुए हमारे खजुहान मुख्य मार्ग है, यह बहुत ही दयनीय स्थिति में था और हमने इसके लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन किसी विधायक ने ना ही किसी मुखिया ने इस पर पहल की। लेकिन हम लोगों के बीच हम सभी ने मिलकर, और जैसा कि ये हमारे देवपुरा पंचायत के माननीय मनीष शाही जी हैं, इनके अथक प्रयास से एक बहुत ही सुंदर कार्य हो रहा है जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं इनसे हम लोग सुबह से लगे हुए हैं कि ताकि यह रोड अच्छे से बराबर हो सके, गाड़ियां पूरी तरह निकल सके, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपना विचार रखेंगे। जी नमस्कार। काफ़ी समय से ये रोड टूटा हुआ था। पिछले साल भी हम लोग इसमें मिट्टी डाल के रोड को बराबर किए हुए थे। इस रोड से एक भी गाड़ी जाना आना मुश्किल हो गया था, यहाँ तक कि पैदल जाना भी मुश्किल था। जब भी बारिश होता है तो रोड के ऊपर से पानी जाता है, जिससे जाने आने में काफ़ी कष्ट होता है। स्थानीय मुखिया, विधायक सबसे हम लोगों ने कई बार आवाज़ लगाया, पिछले साल भी आवाज़ लगाया, हम लोगों ने आवाज़ उठाया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो हम लोग खुद स्वयं अपने से ये सब काम करा रहे हैं, ताकि जो भी हमारे लोग हैं, गांव के लोग हैं, आने जाने में किसी को कष्ट ना हो। जय। आइए जानते हैं कि इस और जो हमारे गांव के साथी है वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपको कितनी सुविधा होगी इससे तो हमको इतना अच्छा सुविधा मिल गया कि जो किसी को परिवार को तबीयत खराब होए आराम से अपने कोई भी साधन से हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। पहले तो ऐसा था कि किसी को तबीयत खराब हो जाए तो हॉस्पिटल जा नहीं सकते हैं,
इससे हम लोगों के मनीष साई ने इतना काम कर दिए कि हम लोगों को मतलब मानी कि बहुत सुविधा अच्छा मिल गया। भोजपुरी